हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना से पहली बार 24 घंटे में 195 लोगों की मौत हुई। अब तक 1550 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में करीब 4000 नए मामले आए हैं। दिल्ली में सेना के कैंसर अस्पताल में 24 संक्रमित केस मिले। आईटीबीपी के 45 जवान का टेस्ट भी पॉजिटिव आया। महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या 15000 के पार पहुंची। सीएम उद्धव बोले, चाहे जितनी सख्ती बरतनी पड़े 31 मई तक पूरा राज्य कोरोना मुक्त करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार का फैसला, ग्रीन जोन में बस चलाने की मंजूरी दी। लखनऊ में निजी दफ्तर भी खुलेंगे। यूपी के मुरादाबाद में क्वारंटीन सेंटर से बड़ी लापरवाही हुई। खाने में मेंढक निकलने से मचा हड़कंप। यहां दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर रह रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले और तेजी से बढ़े। करीब 5000 के पास पहुंची संख्या। अब तक 90 इलाके सील हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पेट्रोल डीजल महंगा किया। पेट्रोल 2.25 रुपए और डीजल तो 7 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में शराब 70% महंगी होने पर भी भीड़ कम नहीं। कुछ ग्राहक बोले, महंगा होने की चिंता नहीं, देश के लिए खरीद रहे हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में टोकन नंबर से मिल रही है शराब। लाइन में लगे लोगों के हाथ पर लिखा गया नंबर। उत्तराखंड के नैनीताल में बारिश के बीच भी शराब की दुकान के बाहर खड़े रहे लोग। यहां अचानक बदला है मौसम। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बघेल सरकार ने शराब की होम डिलीवरी शुरू की। ग्रीन जोन में 5 लीटर तक मंगा सकते हैं शराब। एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 120 रुपए। कर्नाटक के हुबली में शराब की दुकान के बाहर अनोखा नजारा दिखा। लोगों ने लाइन में जूते चप्पल बोतल रखकर अपनी जगह बनाई। आज भी कई राज्यों से शराब की दुकान के बाहर लगी भीड़ की तस्वीरें आईं। कई जगह लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़े। शराब की दुकान खोलने के खिलाफ आंध्र के विशाखापट्टनम में महिलाओं का प्रदर्शन। महिलाओं ने पूछा, सब्जी दुकान तो 3 घंटे खुलती है, ठेके क्यों खुल रहे हैं 7 दिन। पश्चिम बंगाल बन रहा है कोरोना का नया हॉटस्पॉट। पूरे राज्य में कोरोना मामले 1500 के पास पहुंचे। 7 और मौत हुई है। तमिलनाडु के चेन्नई में कोयम्बेडू सब्जी मंडी कोरोना के ज्यादा मरीज मिलने के बाद सील की गई। ये एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में शामिल है। महाराष्ट्र में किसानों के लिए सरकार की नई पहल। खेती के लिए लॉकडाउन में गांव-गांव जाकर डीजल बांटेगी गाड़ी। कल हंदवाड़ा के आतंकी हमले में शहीद हुए 3 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। आज श्रीनगर में गूंजे अमर रहे के नारे। तीन दिन पहले एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा और अनुज सूद का भी अंतिम संस्कार हुआ। नम आंखों से परिवार समेत देश ने किया सलाम। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में 3 दिन में आतंकियों से 2 एनकाउंटर हुए हैं। पहले कर्नल समेत 5 जवान शहीद हुए, कल 3 जवान हुए कुर्बान। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के कैंप पर ग्रेनेड हमला, 1 जवान घायल। सिक्योरिटी कैमरे में एक कम उम्र का लड़का ग्रेनेड फेंकते हुए देखा गया। दिल्ली में नाबालिगों के अश्लील इंस्टाग्राम चैट ग्रुप पर कार्रवाई। सभी छात्रों की पहचान के बाद पुलिस की जांच जारी। लड़की ने की थी शिकायत। बिहार के मुजफ्फरपुर में डायन बताकर 3 महिलाओं के बाल काटे गए। गांव में घुमाया, पीड़ित परिवार को गांव छोड़ना पड़ा। अब पुलिस बोली, जांच जारी है। मुंबई में आज आग से बड़ी अफरा तफरी मची। एटलस अपार्टमेंट की इमारत में भड़की आग, सभी लोग सुरक्षित। मध्य प्रदेश के इंदौर में टेंट हाउस में आज आग लग गई। आग देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।